हेलो गाइस, कैम छो। अभी हम है फिफी में और आपका स्वागत है एक नए दिन में। फिफी आइलैंड में हम आ गए थे। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि यहाँ इतना टाइम का वो था, तो इसीलिए हम टाइम नहीं निकाल पाए थे। पर अभी जस्ट हम लंच किए हैं। जो लंच आपका जो पैकेज होगा उसके साथ फ्री होगा। अगर आप आते हो, अगर आपको बिग बोट में भेजते हैं तो प्लीज़ आप मत जाइएगा, क्योंकि उसमें आपको आइलैंड के ऊपर नहीं ले जाएंगे, जस्ट आपको ओवरव्यू करा के निकल देंगे। तो इसीलिए हमने बुक किया था बिग बोट, फिर उसमें से हमने अपग्रेड करके हमने स्पीड बोट करा दिया। तो स्पीड बोट में आपको स्कूबा डाइविंग कराएंगे, फिर स्नॉर्केलिंग कराएंगे, और आपको फिर वहाँ पे लंच होगा, और फिर आपको अंदर तक ले जाएंगे क्योंकि बिग बोट अंदर तक जाएगा नहीं। तो इसीलिए, और आप आए थे तो थोड़ा जल्दी आ जाइए। और आपको वहाँ पे अगर शूज़ भी वो लोग देते हैं अलग से, आपको यहाँ के चलने के लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसा होता है। ऐसे शूज़ आपको देते हैं, ये शूज़ आपको 350 बाट में मिलते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो ही लीजिएगा, अदरवाइज़ आप क्रॉक्स लेके आएंगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पे ये स्कीम होता है आपको बेचने के लिए, तो अगर आप देख लीजिएगा, अगर रिक्वायरमेंट है तो ही लीजिएगा। मैं हूँ अभी फिफी आइलैंड बीच पे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ का कुछ नज़ारा। अभी हम लोग फिफी लेने आए हैं और लॉन्ग के बोट में बैठे हैं, जिसकी प्राइस है आपको 1600 रुपये, मतलब 1600 बाट लगेगा आपको। तो अगर आप आते हो तो पहले आप श्योर कीजिएगा, वहाँ से अगर बुक कराते हो तो आप पर्ची लीजिएगा। हमारे साथ जो थे उनके साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने पर्ची नहीं दिया था और यहाँ आके उनको मना बोल दिया कि हम आपको नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारे पास आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आप वहाँ जो मेन काउंटर था वहाँ से बुक कराते हैं तो करा दीजिए। तो लॉन्ग के बोट में से कुछ नज़ारे ऐसे दिखते हैं आपको, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से फोटो बहुत अच्छा आता है, अगर आप आइए तो आप एक बार लीजिएगा। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हम लोग कब से, एक घंटे से यहाँ पे एक्चुअली हम घूम रहे हैं। फुल्ली पैसा वसूल कर दिया हमने 1600 बाट। तो आप भी आते हैं तो आप भी कर सकते हो। कैसा लगा प्रियंका जी आपको? हाय। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आ गया। लेडीज़ को पसंद आया मतलब आपका पैसा वसूल ही है। तो अगर आप आते हो तो श्योर ये लॉन्गटे बोट कीजिएगा। ये एक घंटे का समथिंग राइड होता है या 45 मिनट का, पर हम एक घंटे से यहाँ पे ही है और काफ़ी सारे फ़ोटो खींचे और वीडियो बनाए हैं, वो मैं आपको अंदर वीडियो में दिख जाएगा आपको। बहुत अच्छा है। गाइस, ये है माया बे बीच, और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। आई थिंक ये लास्ट राइड होगा यहाँ का आज के दिन का, फिर कल जाएंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे। तो अभी ये है माया बे, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसा दिखता है। अगर आप आइए तो ये सब देख लीजिएगा, ये सब इंक्लूड है कि नहीं।
मैं आपको दिखा रहा हूँ है बहुत कॉस्टली, अगर आपको ज़रूरत हो तो ही परचेस कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ खाना खाली आपको मिल जाएगा। पर शॉपिंग के लिए हमने देखा है शॉप और बहुत महंगा था, अगर आपको ज़रूरत है तो आप फुकेत में ही से ही लेके आइएगा, यहाँ सब ड्रिंक ना सब कुछ आपको मिल जाएगा। एकदम पार्टी वाला माहौल है यहाँ पे, और यहाँ से सीधा आपको व्यू दिखेगा, यहाँ पे है थोड़ा कॉस्टली पर अच्छा व्यू है, अगर आप रिलैक्स करना चाहे तो आप कर सकते हो यहाँ पे, बहुत सारा है। हमने भी यहाँ पे एक घंटा स्पेंड किया है अभी, तो यहाँ पे अभी हमें आई थिंक 100 बार देख के हमने थोड़े रील्स बनाए, बैठे रिलैक्स किया, और हम स्पीड बोट से आए हैं तो कोई टाइमिंग का इश्यू नहीं है, अदरवाइज़ आप बड़े बोट से आते हैं बिग बोट से तो आपको उसमें टाइमिंग संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, फिर टाइमिंग होगा उसके बाद निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:30, उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट अब फुकेत, फिर वहाँ से आज का ट्रिप हमारा पूरा हो जाएगा, फिर कल जाना है हमें जेम्स बॉन्ड आइलैंड। तो चलिए, अगर आगे अगर व्यू जैसा कुछ आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज आज का व्लॉग यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल, बाय बाय।